दोस्तों, मैं हूँ आसिम बाजार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, साथ तो देख पा रहे होंगे डिस्कवर है दोस्तों, 150F है और आप देख पा रहे होंगे फोर वाल वाला है ये। यहाँ पर आपको दिखा दें, फोर वाल वाला है दोस्तों, देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इसमें दिक्कत किस तरह का है वो आपको हम बताते हैं। पिकअप नहीं ले पा रहा है गाड़ी, और गाड़ी दोस्तों जब रोड में रनिंग में चलता है तो जिस तरह से इसका रेंज होना चाहिए दोस्तों, ये फोर वाल का गाड़ी है, इसका रेंज एकदम पिकअप फर्स्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, सही तरीक़े से पिकअप नहीं ले पाता है, इसमें दिक्कत क्या है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी जो है ये हमारे यहाँ लोकल का नहीं दोस्तों, कहीं बाहर से आया है, किसी ने इसको भेजा है इसको यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। चार पांच मैकेनिक इसमें प्रॉब्लम को फेस किया है दोस्तों, पर इसका क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। तो क्या दिक्कत है वो हमारे पास काम कराने लेकर आए हैं, और क्या इसमें प्रॉब्लम है वो आपको बताएँ। तो दोस्तों, हमारा मैकेनिक भाई लोग इसका काम किए हैं परफेक्ट तरह से। तो भाई मैकेनिक जो भी है वो जो भी है नॉर्मल इसका फिल्टर वगैरह साफ़ किया होगा, जो भी काम है अपना सब किया होगा, पर इसमें माइनर बीमारी है दोस्तों, माइनर प्रॉब्लम है, और क्या है वो आपको हम बताएंगे। तो इसका सबसे पहले दोस्तों चाबी को लेंगे हम, यहाँ पर चाबी को लेंगे और इस पैनल को हम पहले खोलेंगे इस तरह। पहले पैनल को हम ओपन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर दिख पा रहा होगा इसको इस तरह से खींचेंगे दोस्तों, और हमारे सीट को हम इस तरह से यहाँ पर ओपन कर लेंगे। दिख पा रहा होगा सीट हमारा ओपन हो चुका है। तो कैसा प्रॉब्लम है दोस्तों, जो हमारा मैकेनिक भाई लोग को दिमाग में नहीं आ पाया, और ये कस्टमर एकदम बहुत ज़्यादा परेशान है दोस्तों, ये गाड़ी से परेशान हो चुका है और थक गया है। तो इसमें दिक्कत किस तरह का है वो हम इसको ढूँढेंगे। तो दोस्तों, इसका फिल्टर है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और ये फिल्टर 10 नंबर का बोल्ट लगा रहता है, इसको हम ओपन करेंगे चारों को और फिल्टर को हम बाहर लेंगे, और दिक्कत क्या है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, चारों नट को हम ये जो है हमारा 10 नंबर नट ओपन कर चुके हैं, और फिल्टर को हम डायरेक्टली बाहर लेंगे इस तरह से, यहाँ पर दिखा दें आपको इस तरह से। तो यहाँ पर लॉक रहता है दोस्तों, इसको निकाल लेना है यहाँ पर रबड़ को, और इस तरह से अलग करके उसके बाद इसको बाहर की ओर लेना है, और आपको लाइव बताएंगे दोस्तों इसमें दिक्कत किस तरह का है, कैसे इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, और हमारा मैकेनिक भाई लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। तो आपको बता दें, ये फिल्टर देख पा रहे होंगे अभी कुछ ही दिन पहले लगाया दोस्तों, नया फिल्टर है, फिल्टर सब चेंज किया था, ये फिल्टर में भी इशू होता है। तो देख पा रहे होंगे फिल्टर हमारा परफेक्ट तरह से है, और इसमें धूल मट्टी कुछ भी नहीं, एकदम सही है। तो दिक्कत क्या है दोस्तों वो हम आपको बताएँगे। दिक्कत इसमें है इसका, यहाँ पर ये दिख पा रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको दिखा दो दोस्तों, ये जो रबड़ है पूरा तरह से बैठ चुका है यहाँ पर, ये इसका होल जो है दोस्तों अंदर से देख पा रहे होंगे एकदम चौकअप हो चुका है, और हवा इसको जितना चाहिए दोस्तों मिल नहीं पाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, और इसी में हमारा भाई लोग परेशान हो चुके हैं। और दोस्तों, ये देखना चाहिए कि हवा हमारा इंटर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह से हमारा अटैच रहता है यहाँ पर, और इसके ऊपर सीट रहता है दोस्तों, वो हम आगे आपको बताएँगे किस तरह से सीट इसमें बैठता है। तो ये हमारा दब गया है, और दब के पूरा ठंडा का मौसम है दोस्तों, ये पूरा तरह से दब गया है। और उसके बाद जब हम इसको फिटिंग करेंगे दोस्तों, और हमारा गाड़ी जब रन होता है रनिंग में, तो हमारा हवा जो है, हवा इंटर जब होता है दोस्तों, तो ये पाइप है ना इस तरह से और चिपक जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखा दें कितना चिपका हुआ है, इसका अंदर जितना जगह चाहिए दोस्तों मिल नहीं पा रहा है हवा इसको, तो हमारा यहीं से प्रॉब्लम है 100%। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको जो है इस तरह से तो हम फैला नहीं सकते हैं, क्योंकि रबड़ है ये बैठ चुका है, और ये इस तरह से होगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह पे नीचे के ओर यहाँ पर होल मारेंगे, एक होल यहाँ मारेंगे, जो हमारा हवा यहाँ से इंटर कर लेगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ा सा दबेगा भी तो हमारा यहाँ से हवा इंटर होगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये ब्लेड के मदद से दोस्तों हम इसको काट चुके हैं यहाँ पर, देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको कितना कम जगह है दोस्तों यहाँ पर। तो हवा इसमें इंटर होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारा सीट से और ये दब जाता है, हालांकि सीट में हमारा जगह बनाया रहता है दोस्तों, पर ये थोड़ा इधर उधर रहने की वजह से दब जाता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम था इसमें, और यहाँ पर देख पा रहे हैं इस जगह से हम काट दिए हैं, तो हमारा हवा यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से हमारा अगर दब जाएगा, चौकअप हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हवा इंटर करेगा दोस्तों। तो यही प्रॉब्लम था इसमें दोस्तों 100%, और हम गाड़ी चला के आपको चेक कराएंगे कि प्रॉब्लम हमारा सही हुआ या नहीं हुआ। तो इसको प्रॉपर तरह से हम साफ़ कर देंगे, जितना भी धूल मट्टी है इसके अंदर कपड़ा घुसा के दोस्तों इधर से डालेंगे, इधर से
पूरा रगड़ कर साफ़ करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा धूल मट्टी है, तो इसको प्रॉपर तरह से साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं अकेला हूँ दोस्तों, इसलिए बता नहीं पाता हूँ, तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं, आगे का आपको बता देंगे। तो इसको दोस्तों प्रॉपर तरह से हम साफ़ भी कर चुके हैं, तो इसको हम लगाते हैं फ़िल्टर को, फिटिंग करते हैं, और फिट करने के बाद हम बताते हैं दोस्तों आपको। इसको हम लगा लेते हैं फ़िल्टर को इस तरह से, इसमें अटैच कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं, आगे का आपको बता दें। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं चारों बोल्टों को हम इसमें टाइट कर चुके हैं दोस्तों। और टाइट करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं रहता है हमारा रबड़ का लॉक, इसमें इस तरह से लॉक कर देना है यहाँ पर, देख पा रहा है। और ये पाइप है दोस्तों, इस जगह से हम काटे हैं यहाँ पर, इस जगह पे हमारा कटा हुआ है पूरा, क्योंकि यहाँ हमारा जगह खाली रहता है। यहाँ पर देख पा रहा होगा आपको, पूरा तरह से जगह खाली रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रॉपर तरह से हो चुका है, और देख पा रहे हैं ढक्कन को भी लगा चुके हैं, और इसका सीट लगाएंगे गाड़ी डायरेक्टली स्टार्ट करके, आपको चेक कराएंगे किस तरह से पिकअप ले रहा है नहीं ले रहा है, उसके बाद इसको चला के भी चेक करेंगे। इस तरह से सीट को हम इसमें अटो सीट को हम लगा देंगे और इसको चेक करेंगे स्टार्ट करेंगे। तो बैटरी हमारा लो है थोड़ा सा, सेल्फ हमारे नहीं उठा पाता है, तो किक से स्टार्ट मारेंगे इस तरह। तो गाड़ी देख पा रहे स्टार्ट हो सकती है, देख पा रहा होगा आपको गाड़ी हमारा स्टार्ट है, और इसको फुल रेस करेंगे दोस्तों कि पिकअप हमारा किस तरह से। दोस्तों जब गाड़ी भर भराता है तो समझ जाइए पिकअप में प्रॉब्लम है, तो इस तरह से इसको हम रेस करेंगे प्रॉपर तरह। दिख पा रहा होगा आपको फुल रेस ले रहा है दोस्तों, कोई तरह का इशू नहीं है, पिकअप प्रॉपर तरह से पकड़ रहा है। इसको हम चला के भी चेक करेंगे और आपको आगे बताएंगे किस तरह से है दोस्तों। फाइनली हमारा काम हो चुका है, गाड़ी को हम चला के चेक करेंगे इसका पिकअप कैसा है नहीं है, और इसको चला के हम चेक गाड़ी को रन करेंगे और चलाएंगे और देखेंगे किस तरह से हमारा पिकअप है या नहीं, किस तरह से गाड़ी को हम चलाएंगे। गाड़ी का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है दोस्तों, कोई तरह का परेशानी इसमें नहीं रहा, और परफेक्ट तरह से हमारा काम हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से टेक्निकल वीडियो हम अपने चैनल में डालते रहते हैं, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक के वीडियो यहीं करते हैं।